यूपी की, यूपी के बीजेपी सरकार के, मुझे योगी सरकार के पांच काम बताइए। पांच काम योगी सरकार ने इतना काम किया है, पांच काम मुझे बताइए। पांच काम बताएं, पहले तो आवास, जितने गरीब मजदूर थे केंद्र की बात नहीं करेंगे, हम यूपी गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो पांच काम जो जमीन पे आए हो। जमीन पे? हाँ जी, जमीन पे जितना नॉलेज है उतना हम तुमको बताएंगे। कहने ज्यादा नॉलेज तो है नहीं हमको, कहने का मतलब सब लोगों से सुनने यही आता है कि योगी सरकार जो है जितना काम बढ़िया किया है इतना कोई बढ़िया किया ही नहीं। नहीं सुने तो आता है, चलो ठीक है, आपको अभी तक क्या दिखा? हमको ये दिखा है कि इन्होंने जो है जितने महिलाओं हैं इनके लिए व्यवस्था बढ़िया किया है, जैसे अस्पताल में है या कैसे भी है, उनके समस्या के लिए जैसे कोई दुर्घटना हो कैसी बात, तब भी योगी गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सबसे बढ़िया काम किया। बलात्कार वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये बलात्कार अभी नहीं हुए। ओह नो, कोई बलात्कार नहीं, कोई बलात्कार नहीं हुए। और गुंडों के लिए वो जो है हमेशा लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, हाथरस में अभी कोई घटना घटित हुई है, मुझे इसके बारे में हवा लगी है, क्या वहाँ कुछ क्या हुआ था? कुछ ये तो नहीं, दूसरे सरकार वाले जो भड़काते हैं भड़काते रहेंगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी है। जब दो पार्टियां होती तो एक भड़काएगा एक वो करेगा। वहाँ पे बलात्कार वगैरह मर्डर वगैरह कुछ नहीं? मर्डर वर्डर का कुछ नहीं। पुलिस आपको देख रहा है और आपको सैल्यूट करना चाहता है। हम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को सैल्यूट करते हैं और इनका बहुत बहुत आभारी हैं। समझ लो जो देश के लिए किया है, बढ़िया कर रहे हैं काम, अपने जान से अच्छा कर रहे हैं और इससे अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जितने मुख्यमंत्री आए हैं उनसे पूछा जाए क्या किया है, ये अपने लिए नहीं बनाया है कि अपने लिए बनाया हो मुख्यमंत्री ने आदित्य योगी नाथ, जो अपने लिए नहीं बनाया, क्या क्या क्या, हाँ क्या क्या, ये सिवा दूसरे के लिए बनाया, क्या बनाया है? या बनाया है जैसे कुछ नहीं, राशन नहीं मिलता था भी किसी लोगों, गरीब मजदूर के लिए राशन तो इससे पहले बीएसपी सरकार थी, नहीं इससे पहले मायावती सरकार थी तब भी लोगों को राशन मिलता था, अखिलेश सरकार थी तब भी मिलता था, तो राशन वाली बात तो कोई नई नहीं है। क्या योगी जी ने नया किया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी ने सड़कें रोडें जो निकलवाई हैं सब गड्ढा मुक्त, मतलब कि सड़कें सब हो गई? हाँ सब हो गई। आपके गांव में कोई गड्ढा वाली नहीं? कोई गड्ढे सड़कें वाली नहीं रही, गड्ढे सड़कें सब सड़कें सब बन गई। पांच कामों में मैंने आपको आपका ये काम एक गिन लिया, चार काम कोई मुझे बताइए। और जो हमें सुने आता है कि योगी जो है काम बढ़िया कर रहे हैं, कुल मिलाकर के, ज्यादा तो नहीं जानते क्योंकि यहां रहते हैं। भैया आपकी भी आंखें हैं और आप भी गाँव से हैं, तो आपने अभी तक क्या देखा ये हम जानना चाह रहे हैं। हमने योगी के विषय में ये देखा, जिस आदमी गरीब मजदूर हो या कैसी का हो उसको देखता है तत्काल फोन भी आता। बहन जी की सरकार थी उसके बारे में क्या कहेंगे, वो अच्छी थी या खराब थी? नहीं बहन जी थी वो भी अच्छी थी, ऐसी नहीं खराब नहीं थी। अच्छा जिसकी सरकार आती है तो अच्छी, उसे सब कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मजबूरी में तो नहीं कह रहे हैं यार? नहीं हम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, ऐसी नहीं कि इससे पहले अखिलेश सरकार थी वो कैसी थी? अखिलेश सरकार थी उसमें गुंडाराज बहुत चलता था। अच्छा गुंडाई होती थी? गुंडाई होती थी उसमें, तुमको बता दें। अच्छा इसमें गुंडाई नहीं है, ए जितने जितने यहाँ काम हुए हैं। हाँ, उपचुनाव उपचुनाव जो हो रहे हैं इसमें कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, फिर जीतेगी। और 2022 के चुनाव में फिर बीजेपी आएगी? फिर अगर बढ़िया काम करेगी फिर आएगी बीजेपी। तो आपके हिसाब से तो बढ़िया काम करी रही, बढ़िया करे रही, इस हिसाब से तो बीजेपी आएगी ही आएगी। तो मोदी जी ने वादा तोड़ा है क्या महंगाई के मुद्दे पे? हाँ तोड़ा है भैया, हर चीज पे महंगाई है, सिलेंडर पेट्रोल महंगा, मतलब क्या चीज पे सस्ता है ये बताओ? सब्जी महंगी, कमाई वो ही है और महंगाई डबल है। पर वोट मोदी पे ही है, जीता या वोट मोदी पे ही है? वोट मोदी पे ही जाएगा? हाँ वोट मोदी पे ही है। आपको फूल बनाते रहे लेकिन फूल पे ही वोट जाएगा? हाँ आपको फूल बनाते रहे लेकिन फूल पे ही वोट जाएगा। योजना है नीतियाँ बताइए किस किस की? उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय मोदी जी ने हमारे ने बनवाई, शौचालय के बाद सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई सीओ इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। अरे कहना क्या चाहते हो? भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियाँ हैं, सशक्तिकरण है, तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम ना सोचना पड़ता है भेंचोद कि नया गाली कौन सा दे। योजना नहीं वो जिम्मेदारी सरकार की। मैं योजना
मैं योजना पूछ रहा हूं। सशक्तिकरण कोई योजना नहीं है, इस तरीके की नीतियां हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो तो अरे वो तो बात सुनेंगे, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर सुरक्षित रहे। कोई सफल है कोई नाकाम है वो अलग मुद्दा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप देशभक्त है ठीक है, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे आपने पांच योजनाएं बोली मैंने आपसे, मैं पांच ही बताने जा रहा हूँ, अभी दो बताई हैं, तीसरी बताने जा रहा हूँ मैं। पहली योजना मैंने उज्ज्वला गैस योजना बताई, दूसरी शौचालय वाली योजना बताई, तीसरी मैंने देश विदेश जो नीतियां हैं योगी जी की। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग पैदाइशी चूतिया हैं। जो नीतियां हैं योगी जी की, योजना नहीं है क्या? योगी जी ने मोदी जी, हाँ मोदी जी की, और तीस चौथी मैं बता रहा हूँ, देश विदेश की नीति में योजना में नहीं मालूम। जनधन योजना, अरे अब आप क्यों आ गए इनसे, ये हमारे साथ देशभक्त भाई साहब ये बताएंगे। अरे जनधन योजना है हमारी, जो आपने नोटबंदी की थी उससे, नोटबंदी योजना नहीं भाई। इस देश में चूतियों की कोई कमी नहीं है, और इन्हीं चूतियों का सहारा तो बीजेपी को है, और जब तक ये चूतिये रहेंगे तब तक देश का अच्छा दिन आए ना आए बीजेपी का हमेशा अच्छा दिन रहेगा। भाई साहब क्या है वो नियम, अपने को जो राष्ट्रभक्त कह रहे हैं यही बहुत बड़ी बात होती है। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार।